हेलो, कैसे हैं सब लोग? आप सबका प्रॉफिट फ्रॉम ई चैनल के अंदर फिर से स्वागत है दोस्तों। हम ये जो 9 मंथ श्रृंखला रिजल्ट की शुरू हुई है, इसके अंतर्गत हम लोग जो इकोनॉमिक डेटा के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन आती है वो आप सबके लिए पेश करते हैं दोस्तों। तो फिर से आज एक नए डेटा के आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ये जो डेटा है, ये डेटा आपको और हम आपको मुझसे जो कनेक्ट कर रहा है उसी से रिलेटेड है। क्या आपको गेस कर सकते हैं किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? यस दोस्तों, जो जिस माध्यम से हम जुड़े हुए हैं अभी, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए टेलीफोन के डेटा के बारे में, टेलीफोन का जो डेटा है, इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड का, वायरलेस का, ये जो डेटा है टीआरएआई द्वारा प्रस्तुत करते हैं। हर महीने की आखिर तारीख में वो रिलीज होता है। ये जो डेटा होते हैं, ये जो डेटा हमारे लिए क्या काम का है, उस डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये डेटा का यूज से हमें हमारी जो इन्वेस्टेड कंपनियां है उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, ये जो डेटा है ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाते हैं, जो हर महीने की आखिर में रिलीज होते हैं। और ये जो डेटा आते हैं दोस्तों, ये 2 महीने रिलीज होते हैं उससे आगे के 2 महीने के सब्सक्राइबर के डेटा होते हैं। यानी कि अगर ये जनवरी में रिलीज हुए हैं तो ये जो डेटा है, यानी कि 2 महीने, यानी कि नवंबर महीने के डेटा है। ये देखिए दोस्तों, ये डेटा से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, हमें क्या जानकारी मिलती है, कौन से डेटा आते हैं, ये हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। यहाँ ये जो डेटा है उसके अंदर ब्रॉडबैंड का और टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा है। ये जो टेलीकॉम जो सर्विसेज है वो 2 तरह की सर्विस होती है, एक वायरलेस और एक वायर। जो वायरलेस यानी कि जो हम मोबाइल से यूज करते हैं उसको वायरलेस सर्विस बोलते हैं। जो लैंडलाइन होती है, जो लैंड ब्रॉडबैंड होते हैं, जो कनेक्ट केबल से कनेक्ट होती है उसको वायरलेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा मुझे मिला है वो मिलियन में दिखाए गए दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सब्सक्राइबर, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर का डेटा नवंबर महीना का जो मुझे मिला है ये है 793, यानी कि 794 मिलियन वायरलेस के यूजर्स है, जबकि 32 मिलियन यूजर्स वायरलाइन के है। टोटल मिला के ब्रॉडबैंड के अंदर देखू, नवंबर के सब्सक्राइबर देखू तो 825 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे इस महीने, ये महीने के अंत तक के डेटा, नवंबर के महीने तक का डेटा मिला है। तो अगर ये देखू दोस्तों, इसी तरह टेलीफोन के अंदर भी 2 हिस्सों में बांटा गया, अर्बन और रूरल। ये दोनों को मिला के अगर मैं देखू दोस्तों, तो यहां पर मुझे 1,143 मिलियन यूजर्स वायरलेस के अंदर मिले हैं, 27 मिलियन वायरलाइन के अंदर मिले हैं। टोटल मिला के अगर देखू तो 1,170 मिलियन टोटल यूजर्स मुझे टेलीफोन के सब्सक्राइबर के मिले हैं दोस्तों। मंथ ऑन मंथ के अंदर में हिसाब देखूं दोस्तों, तो ये जो ये इस महीने, अगले महीने के मुकाबले इस महीने कितना एडिशनल हुआ है इस डेटा के अंदर, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वायरलेस के अंदर इस महीने टेलीफोन के अंदर 0.52 मिलियन घटकर आया है, जबकि वायरलाइन के अंदर 0.31 मिलियन बढ़कर आया है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 0.20 मिलियन सब्सक्राइबर घटे हैं इस महीने के अंत तक। अगर मंथ टू मंथ, मंथली अगर मैं उसका ग्रोथ रेट देखूं तो वायरलेस के अंदर मुझे 0.05% की गिरावट दिखी है, जबकि वायरलाइन के अंदर 1.70% का इजाफा हुआ है। ओवरऑल टोटल अगर दोनों को मिलाकर देखो तो 0.02% की गिरावट मुझे इस महीने के अंदर दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह देखिए, इसमें 2 तरह के अलग अलग डेटा है, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कितना बड़ा है, यही हम यहाँ पर जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ ओवरऑल टेली डेंसिटी, डेंसिटी यानी क्या, टेली डेंसिटी यानी कि जो पर्टिकुलर रीजियन, यानी कि यहाँ हम बात करेंगे जैसे कि अर्बन टेली डेंसिटी और रूरल टेली डेंसिटी, यानी कि अर्बन के अंदर रहते हैं उन टोटल टोटल जो कम्युनिटी, टोटल पीपल्स होता है, उनमें से कितने लोग ये सेवा का लाभ ले रहे हैं उसको
अगर परसेंटेज में उसकी जो परसेंटेज निकाला जाए तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। हाँ दोस्तों, तो यहां पर मुझे जो डेंसिटी दिखाई दे रही है ओवरऑल डेंसिटी, तो वायरलेस के अंदर मुझे 82.64% यानी कि जो टोटल जो यूजर्स है, पॉपुलेशन है, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 82.64% वायरलेस यूजर्स है, जबकि वायरलाइन यूजर्स 1.96% है। अगर टोटल मिला के देखूं तो 84.61% पॉपुलेशन के यूजर्स है, जो पीपल है, वो ये टेलीफोन का यूज करते हैं। इसी तरह ये अलग अलग देशों के अंदर बांटा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो वायरलेस और वायरलेस, इसमें अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि ब्रॉडबैंड की सर्विस। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड के अंदर यूजर्स बेसिकली सब्सक्राइबर में कितना इजाफा हुआ है। वायर्स जो ब्रॉडबैंड यूजर्स है उसमें इस महीने में 1.51% का इजाफा हुआ है। मोबाइल से जो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उसमें 0.43% का इजाफा हुआ है। मतलब फिक्स जो वायर होते हैं उसमें 3.91% का इजाफा हुआ है अगले महीने के मुकाबले। यानी कि टोटल अगर मैं देखूं तो 0.47% का, मतलब कि ब्रॉडबैंड के अंदर इसी महीने मुझे 0.47% के यूजर्स का इजाफा मिला है। यानी कि अगर देखूं तो अगले महीने ये जो 821 मिलियन था, जो कि इस महीने 825 मिलियन तक यूजर्स बढ़े हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सर्विसेज है ज्यादातर बहुत सारी पहले थी, लेकिन अब बड़ी जो सर्विसेज प्रोवाइडर है उसमें से खास 5 सर्विस प्रोवाइडर मैक्सिमम है, जो 98.40% मार्केट शेयर कवर करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, किसी को पता है दोस्तों? कोई बता सकता है मुझे? अपने जो जिसको पता है वो चैट कमेंट करके मुझे बता सकता है, शायद बहुत लोगों को पता होता है। हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ जियो। रिलायंस जियो 43 मिलियन यूजर्स उसके हैं, जबकि भारती नंबर टू पे भारती एयरटेल 230 मिलियन, तीसरे नंबर पर वोडाफोन 123 मिलियन, और चौथे नंबर पर बीएसएनएल 25 मिलियन यूजर्स ये ब्रॉडबैंड का उसके पास है। इसके बाद फिफ्थ है अटारिया कन्वर्जेशन, जिसका सिर्फ 2.40 मिलियन यूजर्स है। अब देखिए, सर्विस प्रोवाइडर का जो हिस्सा है, मार्केट शेयर है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके अंदर अगर मैं देखूं वायर और वायरलेस ब्रॉडबैंड में, सबसे बड़ा हिस्सा है रिलायंस जियो, यस दोस्तों, 52%। दूसरे नंबर पर आते हैं भारती एयरटेल 28%, तीसरे नंबर पर वोडाफोन 50%, चौथे नंबर पर बीएसएनएल, बाकी मिला के बहुत कुछ कम हिस्सा है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये टेलीकॉम के अंदर सबसे बड़ा यूजर्स जो प्रोवाइडर है, हम यहां से डेटा के मामले में देखें तो वो ही कंपटीटर है रिलायंस जियो और भारती, ये डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है दोस्तों। अब हम देखें यूजर्स के हिसाब से, अगर हम देखें तो रिलायंस जियो के पास 7.38 मिलियन यूजर्स है, जबकि भारती के पास 5.56 मिलियन, बीएसएनएल के पास 4.02, एटेरिया के पास 2.40 मिलियन। इसी तरह से देखिए वायरलेस और वायरलेस सब्सक्राइबर के जो यहाँ पर डेटा दिए गए हैं। अब देखिए देखिए, ये जो सर्विस प्रोवाइडर का मार्केट शेयर पूरे जो इंडस्ट्री है उसमें उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा प्राइवेट का है। देखिए 65% मार्केट शेयर ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसमें प्राइवेट पार्टनर जो प्राइवेट सब्सक्राइबर है, जैसे कि रिलायंस, भारतीय एयरटेल, टाटा टेली, वोडाफोन, ये सबका हिस्सा है, जबकि पीएसयू गवर्नमेंट का हिस्सा सिर्फ 35% है। जिसमें अगर मैं ये देखिए दोस्तों, मार्केट शेयर है जो ये ब्रॉडबैंड में, इसमें रिलायंस जियो का मार्केट शेयर है 30% का। ये जो लैंडलाइन के लिए, मतलब वायरलाइन जो सब्सक्राइबर है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर बीएसएनएल, जिसका 26%, तीसरे नंबर पर 25% भारतीय एयरटेल का, बाकी एमटीएनएल का 9%, 5% इस तरह का हिस्सा है। तो हम यहाँ वायरलाइन के अंदर सबसे बड़ा जो सब्सक्राइबर जो कॉम्पिटिटर है रिलायंस, बीएसएनएल और भारती, ये हम मानते हैं। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज प्रोवाइडर है ये नवंबर महीने के अंदर उसका कितना यूजर्स बढ़े या गिरे है, तो सबसे ज्यादा यूजर 21 लाख यूजर्स रिलायंस जियो का है इस महीने। तो टोटल 3,40,000 यूजर्स इस महीने ऐड हुए हैं इसके अंदर, जिसमें से टोटल यूजर्स रिलायंस जियो का सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल, तीसरे नंबर पर वोडाफोन है, जिसका यूजर्स बड़ा है।
घटने वाले के अंदर देखिए तो रिलायंस कम्युनिकेशन MTNL के यूजर्स में गिरावट आई है, ये हमें डेटा से पता चलता है। तो अब हम देखिए दोस्तों, वायरलेस सब्सक्राइबर के अंदर अगर हम देखिए पिछले महीने के मुकाबले हमें 1,143 मिलियन यूजर्स टोटल है, जिसमें से अर्बन के अंदर 626 मिलियन, जबकि रूरल के अंदर 560 मिलियन यूजर्स है। इसी तरह वायरलेस के अंदर देखिए, वायरलेस जो सब्सक्राइबर है उसका परसेंटेज जो डेंसिटी जो हमने बताया, तो सबसे नवंबर के महीने के अंदर जो हमें अर्बन के सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्बन के अंदर 129% की है, जबकि रूरल के अंदर 57% की, मतलब जो 82% जो हमें टोटल जो ओवरऑल है इसमें जो वायर ये जो सब्सक्राइबर है वायरलेस सब्सक्राइबर उसमें ज्यादा जो परसेंटेज जो डेंसिटी है ये अर्बन एरिया के अंदर है, ऐसा मानते हैं। अब हम देखें कि जो उसका मार्केट शेयर है वायरलेस, जो वायरलेस सब्सक्राइबर है उसमें, ये जो हमने पहले डेटा देखा ये क्या था, वायरलाइन का था। अब वायरलेस सब्सक्राइबर है उसके अंदर किसका हिस्सा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर भी बाजी मार जाता है रिलायंस जियो, दूसरे नंबर पर आता है भारतीय एयरटेल, तीसरे नंबर पर वोडाफोन और चौथे नंबर पर BSNL। तो देखिए दोस्तों, जब वायर की बात आई थी तो BSNL दूसरे नंबर पर था, लेकिन जब वायरलेस के सब्सक्राइबर के बारे में आया तो ये चौथे नंबर पर, मतलब कि वायरलेस जो सब्सक्राइबर है उसमें जो सबसे बड़ा जो वो है वो रिलायंस जियो है। प्राइवेट जो सब्सक्राइबर है उसका हिस्सा इसमें 90.35% का है, जबकि PSU के अंदर सिर्फ 10% का है, मतलब कि सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट ही है, ये हमें डेटा से पता चलता है। अब हम देखिए कि इस महीने इसमें कितना एडिशनल हुआ, तो यस दोस्तों, वायरलेस सब्सक्राइबर ब्रॉडबैंड के अंदर 5,80,000 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जियो के अंदर, दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल के अंदर जुड़े हैं। परसेंटेज के वाइज से अगर देखूं ग्रोथ का रेशियो, तो इस महीने मुझे 0.34% के इजाफा हुआ है रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर में, जबकि भारतीय एयरटेल में 0.29% का इजाफा हुआ है सब्सक्राइबर वायरलेस के सब्सक्राइबर में, जबकि गिरावट कहां दिखी, रिलायंस कम्युनिकेशन में 1.70% की, BSNL में 1% की, और वोडाफोन के अंदर 0.74% का सब्सक्राइबर घटे है, गिरा है। अब हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज कौन से एरिया के अंदर ये इस वक्त कौन से एरिया में ग्रोथ हुआ है इसमें, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, कलकत्ता, उड़ीसा, इस तरह के जो राज्य है उसके अंदर इस महीने में वायरलेस सब्सक्राइबर में ग्रोथ दिखा है, जबकि इसके अलावा UP, वेस्ट बंगाल, उसमें इस महीने के डेटा में गिरावट आई है, ये हमें डेटा से पता चलता है। अब हम देखिए टोटल सब्सक्राइबर टेलीफोन के, जो पहले जो बात हुई थी ब्रॉडबैंड की बात थी, अभी हम बात कर रहे हैं टेलीफोन सब्सक्राइबर की। टेलीफोन सब्सक्राइबर के बारे में देखिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा है इस महीने का जो टोटल है 1,170 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये देखिए इसकी डेंसिटी भी जो देखिए टेलीफोन की 134.22% की डेंसिटी हमें मिली है। अब हम देखिए दोस्तों, ओवरऑल कौन से राज्य के अंदर इसकी डेंसिटी कितनी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी कि जैसे कि देखिए यहां पर हमें 271% की डेंसिटी दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के जो पूरे पॉपुलेशन है उसमें से 270% लोग ये वायरलेस टेलीफोन का ज्यादा यूज करते हैं, ये हमें डेटा से पता चलता है। सबसे कम बिहार का है और हमारा गुजरात का 92% यानी 93% सब्सक्राइबर, हम पॉपुलेशन के हिसाब से 93% पीपल ये टेलीफोन का यूज करते हैं, ये हमें डेटा से पता चलता है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक्टिव वायरलेस VLR डेटा जो होता है रीसेट का, इस तरह का जो डेटा का है उसमें भी हमें कौन से यूजर, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो और तीसरे नंबर पर वोडाफोन है। एक्टिव पार्टिसिपेशन से वो स्टेट वाइज भी हमें यहाँ मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, MNP जो स्टेटस है वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो इस तरह के जो डेटा है ये डेटा से हमें क्या पता चलता है, देखिए दोस्तों ये डेटा का हम किस तरह के उपयोग ले सकते हैं, हमें ये जो डेटा हर महीने आते हैं दोस्तों, तो हमें जैसे कि देखिए दोस्तों अभी 5G लॉन्च होने वाला है, तो हमें ये देखना है
कि वायरलेस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या वायरलेस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर 5G आता है तो वायरलेस में इजाफा होना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि धीरे धीरे अगर हम ये डेटा का हर महीने अभ्यास करते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसे हमें पता चलता है कि टेलीफोन और ब्रॉडबैंड के अंदर ग्रोथ कितना है, कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, इसका हमें कैसे यूज करना है। जैसे कि अगर देखिए दोस्तों, अगर ये ग्रोथ कंसिस्टेंसी बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमें पता है दोस्तों, जैसे कि टेलीफोन के कोई भी अगर नया टेलीफोन लेगा, कोई भी नया कनेक्शन लेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई ऐप देखेगा, तो उस ऐप यूज करने वाली कंपनी के अंदर एक कस्टमर बढ़ेगा। इसी तरह जो एडवर्टाइजिंग देते हैं तो उसके भी एक नया सब्सक्राइबर बढ़े, मतलब जितने ग्रोथ मोबाइल में ब्रॉडबैंड के अंदर कनेक्शन बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो इनडायरेक्टली बेनिफिट वो जो सर्विसेज देती है उस कंपनी के ग्रोथ में भी। जैसे कि हमें पता है एप्पल है, रूट मोबाइल है, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया सर्विसिंग ऐसी जो कंपनियां है, उसका भी उस कंपनियों के ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो डेटा है, हम उस कंपनी के आने वाले रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, ये अगर मंथ टू मंथ हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये डेटा से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। तो ये डेटा मंथ टू मंथ आता है, तो आने वाले 3 महीनों के रिजल्ट को हम ये अगर कंसिस्टेंसी, एक बात से हमें पता नहीं चलेगा दोस्तों कि ये इसका इंपैक्ट कौन सी कंपनी में क्या आएगा, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी इस डेटा का स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें इसकी इंपैक्ट हमारी इन्वेस्टेड कंपनी में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये एक मेरा प्रयास था इस डेटा को आपके लिए अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझने और समझाने का। तो आपको दोस्तों ये डेटा कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जो कि जिससे मुझे पता चले कि मैं कहाँ इंप्रूव में कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू पीयूष सर।